सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल MDR ब्लॉग को सभी प्रकार की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। गाइस वेलकम बैक माय चैनल MDAR ब्लॉग। दोपहर के लगभग 2 बज गए हैं और मैं हूँ चचाई के पावर हाउस पे। तो इतना बड़ा चचाई के पावर हाउस है वो मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पास एक मंदिर भी है, तो यहाँ चचाई के डैम के जो आसपास है वो सारी चीज़ें हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस फिलहाल हम लोग आशुतोष के साथ जो है खेत जो है चचाई के डैम पर जा रहे हैं। ये देखिए चचाई का जो पावर हाउस है वो सामने दिख रहा है वहाँ से, और सामने ही डैम है। तो हम लोग आपको डैम दिखाने वाले हैं। बहुत बड़ा है, मतलब मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़ा पावर हब माना जाता है चचाई का डैम। तो पानी वानी बहुत अच्छा खासा होगा, तो चलिए हम वहाँ जाके आपको दिखाते हैं। तो गाइज आप देख सकते हो इस भीषण गर्मी में और बहुत ज़्यादा धूप है, हम लोग चचाई डैम के पास, चचाई जलप्रपात के पास है। चचाई जलप्रपात रीवा मध्य प्रदेश के पास बीहड़ नदी पर 130 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित है। और यह झरना मध्य प्रदेश के दूसरे सबसे ऊंचे झरनों में से है और भारत में सबसे अधिक एकल बूंद वाले झरनों में गिना जाता है, जो कि बीहड़ नदी के पानी को दो हिस्सों में बांटता है। एक तोना पन बिजली संयंत्र में विद्युत उत्पादन के लिए और दूसरा आधा पास के गांव में सिंचाई के लिए उपलब्ध होता है। ये जो आप गांव देख रहे हैं आसपास खाली खाली ज़मीन है, तो यहाँ से जो है दूर है उसका लोकेशन जो चचाई जलप्रपात है, तो उतना दूर तो नहीं जा सकते। बाकी मैं अभी आपको पूरा जो डैम है वहाँ से आसपास जाके आपको उसका जो लोकेशन है व्यू है वो दिखाने वाला हूँ। तो गाइज हम आ चुके हैं चचाई डैम के पास। तो सबसे पहले तो आपको बता दूँ चचाई से 10 किलोमीटर की दूरी पर सिमरिया तक रेल की पहुँच है। रीवा या सतना स्टेशन से इस फॉल तक आसानी से पहुँचा जा सकता है चचाई जलप्रपात चचाई डैम। और सड़क मार्ग के द्वारा चचाई जलप्रपात रीवा से 29 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो गाइज जैसा कि आप देख सकते हो हम हैं अनूपपुर जिले के चचाई में स्थित डैम में। और इतना ही नहीं गाइज, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो चचाई का जलप्रपात है चचाई डैम भारत का 23वां सबसे ऊँचा जलप्रपात है। यह मध्य प्रदेश का 2 सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह जलप्रपात भी रीवा शहर में स्थित है। जैसा कि आपको पता है कि रीवा शहर झरनों का शहर है, यहाँ पर आपको देखने के लिए बहुत सारे झरने हैं। इन झरनों में चचाई जलप्रपात भी शामिल है। चचाई जलप्रपात बहुत खूबसूरत है, बारिश के मौसम में झरने की खूबसूरती देखते ही बनती है और यहाँ पर चारों तरफ हरियाली रहता है जैसा कि आप देख सकते हैं। चचाई जलप्रपात बीहर नदी पर स्थित है। बीहर नदी आगे जाकर तमसा नदी से मिलती है। इस झरने की खूबसूरती आपको बारिश के मौसम में ही देखने को मिलती है, क्योंकि इस झरने के ऊपर एक डैम बनाया गया है जिसे बीहर नदी का पानी रोका जाता है। डैम का पानी नहर के द्वार दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दिया जाता है, जिससे इस झरने में पानी नहीं रहता। इस झरने में जब डैम ओवरफ्लो होता है तभी पानी आता है, बाकी मौसम में झरना सूख जाता है। आप इस झरने पर बारिश के टाइम में आते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत मज़ा आएगा। चचाई जलप्रपात रीवा शहर का सबसे सुंदर झरना है। रीवा शहर का मध्य प्रदेश का एक खूबसूरत शहर है जिसमें बहुत सारी दर्शनीय जगहें हैं। रीवा शहर से चचाई जलप्रपात करीब 46 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यह झरना रीवा के सिरमौर के पास स्थित है। यह सिरमौर से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ पर आप अपने वाहन से आसानी से आ सकते हैं और यहाँ पर खूब अच्छा समय बिता सकते हैं। आप यहां पर अपनी फैमिली के साथ आ सकते हैं। इस झरने की ऊंचाई लगभग 130 मीटर है। चचाई झरना पूर्वा झरने के बहुत करीब है। आप अगर चचाई जलप्रपात आते हैं तो पूर्वा जलप्रपात भी आ सकते हैं। पूर्वा जलप्रपात चचाई जलप्रपात से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और आपको एक साथ दो झरने का मज़ा मिल जाता है। और यह जगह चारों तरफ से पहाड़ों से ढकी हुई है और रेल लाइन भी आप देख सकते हैं। तो गाइज इस तरह से थी आज की मेरी ब्लॉग वीडियो चचाई जलप्रपात चचाई डैम की। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।